बच्चों वाला काम करके आप लोग कमा सकते हैं 11,000 रुपए। एक क्लिक करेंगे और आपको दिए जाएंगे 11,000 रुपए। गूगल से आज मैं आप लोगों को इतना आसान तरीका बताने वाली हूँ कमाने का। एक क्लिक करके आप लोग कमा सकते हैं 11,000 रुपए। गूगल से आज तक किसी ने इतना आसान तरीका नहीं बताया होगा कमाने का जितना आसान तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप लोग गूगल पर वर्क करके भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। गूगल से आप लोग कमा सकते हैं एक क्लिक करने का। जस्ट आपने एक क्लिक करना है, एक क्लिक के आपको मिल जाते हैं 11,000 रुपये। जितने क्लिक करेंगे उतने आपकी 11,000 रुपये आपको मिलते रहेंगे। काम के लिए ना ही आपको तालीम की ज़रूरत है। अगर आप लोग मैट्रिक फेल भी हैं तो भी आप लोग ये काम आसानी से कर सकते हैं। ना ही इसके लिए आपको किसी किस्म का इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी ज़ीरो है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो भी आप लोग ये काम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग एंड ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग सबसे पहले उसे वॉच कर सकें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों ने देख ली तो उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग करना, वर्क फ्रॉम होम करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। और ये काम आप 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये काम बहुत आसान है और बहुत ही इजी है। लेकिन अर्निंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छे खासे आपको इसके डॉलर्स मिलते हैं। तो कैसे मिलेंगे और क्या करना पड़ेगा और किस तरह काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करेंगे तो आपको पूरी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि क्या काम करना है। आपने सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च कर लेना है गूगल ट्रांसलेट। इसको सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। उसके बाद आप लोगों ने बैक कर लेना है। बैक करने के बाद गूगल को ओपन करना है और गूगल पर सर्च करना है हाउ टू मेक मनी। सर्च करने के बाद 25 वेज टू मेक मनी फ्रॉम होम ऑनलाइन। क्लिक करने के बाद कॉपी करने के बाद फिर से आप लोगों ने क्रोम ब्राउजर पर आकर गूगल ट्रांसलेट में आ जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपने इस साइड में इंग्लिश दिखाई दे रहा होगा, इस इंग्लिश पर क्लिक करना है और यहाँ से इसकी लैंग्वेज को चेंज कर लेना है। इनमें से किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसे। फिलहाल मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर लेती हूं। देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश की उर्दू ट्रांसलेट हो चुकी है। इसके बाद आप लोगों ने बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आप लोगों ने फेसबुक को ओपन कर लेना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है सर्च बार उर्दू ट्रांसलेशन फ्रीलांसर्स ग्रुप। इन ग्रुप्स में से काफ़ी ग्रुप्स को आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस बंदे ने यहाँ पर पोस्ट डाली है, फ्री लांसर्स आर नीडेड ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, टाइपिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन, डेटा एंट्री। तो आज मैं आपको ट्रांसलेशन के हवाले से बताऊँगी कि कैसे आप ट्रांसलेशन करके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो इधर से आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन, इसमें लिखा होता है कि ट्रांसलेशन भी, तो आप लोग नीचे चेक कर सकते हैं कमेंट्स में कैसे लोगों ने बोला है कि आई एम इंटरेस्टेड। तो इस तरह के यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ये आपको PDF देंगे, उसे आप अगर वो इंग्लिश में होगी तो अगर आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि इसे उर्दू में ट्रांसलेट करें तो आपने इसे उर्दू में करना है, और अगर वो बोलता है अगर उर्दू है तो उसे इंग्लिश में करना है तो आपने उसे इंग्लिश में करना है। बस आपने एक क्लिक करना है और ट्रांसलेट आपके पास आ जाती है। और ये वही वेबसाइट है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी, जिसमें आप ट्रांसलेट करने के लिए एक क्लिक से आपकी ट्रांसलेट हो जाती है। इंग्लिश को उर्दू में करना चाहते हैं तो वो भी हो जाती है, इंग्लिश को चाइनीज़ में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाती है। जिस भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं वहाँ से आपकी ट्रांसलेट हो जाती है। आज मैं आपके साथ 2 प्लेटफॉर्म्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं ट्रांसलेशन के ज़रिए से। एक तो मैंने आपको बता दिया फेसबुक है, दूसरा जो है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद फाइवर को ओपन कर लेते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म फाइवर है। फाइवर से आपने अर्निंग करनी है। यहाँ पे आपने सर्च करना है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। इनमें से किसी एक को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू प्रोफेशनली,
एक ही जो मैंने अभी आपको बताया कि आप कैसे इंग्लिश और उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसी तरह के आपको PDF दे दिए जाते हैं, उसको आपने इंग्लिश को अगर इंग्लिश में दिया जाए तो उर्दू में ट्रांसलेट करना है, और जिसमें भी आपका लिखा जाए आप उसमें उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यही काम करना है और इसकी आपको अर्निंग होती है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और किसी और को ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको कि कितनी अर्निंग होती है कितने पेज पर। अब आप लोग चेक कर सकते हैं, ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू एंड उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश को उर्दू में करना है और उर्दू को इंग्लिश में करना है। इसका जो आपके पास प्रीमियम है $40 दे रहे हैं आपको, $40 दे रहे हैं 6000 वर्ड्स को आपने इस तरह ट्रांसलेट करने के। वर्ड्स को आप लोग कैसे काउंट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। प्ले स्टोर पर जाकर आपने वर्ड काउंटर सर्च करना होता है, वहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट लिख लिया है उसको आपने पेस्ट करना है। उसको पेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपने कितने वर्ड्स अभी तक लिख लिए हैं। अगर स्टैंडर्ड देख लें तो इसके $10 आपको दे रहे हैं ये लोग, 1500 वर्ड्स लिखने के, $5 दे रहे हैं बेसिक में, 600 वर्ड्स लिखने के। तो ये अच्छे खासे डॉलर दे रहे हैं आपको इतने कम वर्ड्स लिखने पर। तो ये काफ़ी कम टाइम लेता है और जल्दी से ये काम आपका हो जाता है और आपको इतनी अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग हो रही है। तो अपने टाइम को बचाएं और इस पर वर्क करके जल्दी से जल्दी अर्निंग करना स्टार्ट कर दें। तो ये थे वो दो प्लेटफॉर्म जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इनमें बिल्कुल भी स्कैम नहीं होता। तो इस पर आपको वर्क ज़रूर करना चाहिए, स्कैमर से बचें और इस तरह रियल वर्क करके ऑनलाइन अर्निंग करें तो इससे आपका भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। स्कैमर्स को पैसे देने से अच्छा है कि आप लोग रियल वर्क करें, खुद का वर्क करें और ऐसे प्लेटफॉर्म पर वर्क करें जहाँ बिल्कुल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हो, उनमें बिल्कुल भी स्कैम ना हो और इसमें इन्वेस्ट तो आपको बिल्कुल करना नहीं, तो स्कैम भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल रियल वर्क है। तो आपको ज़रूर करना चाहिए यहाँ पर ट्राई अपना। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी। ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ समझ नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी बताऊँगी। इस तरह की मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उसे वॉच कर सकें। तब तक के लिए चलती हूँ, फिर लौट कर आऊँगी एक न्यू ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो के साथ।